ओके okay. तो सुन पा रहे हो तो मुझे? हाँ यस सर, यस गुड इवनिंग। तो नॉर्मली जो है ना, वो जो आपका क्वेश्चन है ना, वो फोटोन के फॉर्म में मोमेंटम ट्रांसफर होता है। नॉन मैकेनिकल वेव है ना, वो फोटोन के फॉर्म में मोमेंटम ट्रांसफर, वो एक अलग थ्योरी है, वो भी हम पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में आता है ना, 11th में तो फिलहाल हम मैकेनिकल वेव, ठीक है ना। लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने वेव की बेसिक्स बताई थी आपको कि वेव होता क्या है और वेव को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशंस कैसे लिखेंगे उसकी हम, और दो तरह की वेलोसिटीज के बारे में डिस्कस किया था मैंने, वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, है ना। तो आज भी थोड़ा सा वही एनर्जी ट्रांसफर के बारे में आपको डिस्कस करना है। आज का जो टॉपिक है ना कि वेव किस तरह से एनर्जी ट्रांसमिट करता है और वेव में केस में रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कैसे, है ना। तो सिंपल चीज है कि पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं, वी कैन टॉक अबाउट द वेव वेलोसिटी, हाँ, कि भाई वेव वेलोसिटी जो आपने डिस्कस किया था कि जिस वेलोसिटी से वेव मीडियम में प्रोपोगेट करता है, तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने लिखा था, है ना, कि वेव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था इन जनरल ओमेगा बाय क्यू, है ना, कि वेव वेलोसिटी का इन जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपका ओमेगा बाय क्यू। लेकिन आपको जो यहाँ पे चीज पढ़नी है, यू विल हैव टू स्टडी द वेव वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रिंग, है ना, कि भाई किसी भी स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी क्या होती है ना, इसकी स्पेशल फॉर्मूला है, जैसे कि क्योंकि ये तो जनरल फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर स्ट्रिंग में जो वेव होती है उसके ऊपर भी, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर साउंड वेव ऑल्सो, तो किसी भी तरह की वेव है सेम फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जो स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी की बात करेंगे हम, उसको डिस्कस करने के लिए आप एक स्पेशल फॉर्मूला ड्राइव करें, दिस इज नोन एज अ वेव वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रिंग, है ना। किसी भी स्ट्रिंग में अगर वेव जनरेट हो रही है तो उसमें वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब ये है कि इस तरह से अगर कोई टाइट स्ट्रिंग है ना, और इस टाइट स्ट्रिंग में अगर आप कोई इस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट कर दो, तो डिस्टरबेंस किसी वी से अगर आगे जाता है तो इस केस में वेव वेलोसिटी का स्पेशल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला तो है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि इस वेव के छोटे से पार्ट को ड्रॉ कर, कोई भी अगर वेव है तो उसका एक छोटा सा हमने प्लॉट को इनलार्ज करके बना लिया, भाई किसी भी एक पोर्शन को इस तरह से इनलार्ज करके बना लिया, तो आपको पता है कि सर्किल का एक पार्ट है ना, ये कर्व है, तो किसी ना किसी क्या होगा, सर्किल का इस तरह से पार्ट हो, और उस सर्किल का रेडियस ऑफ ऑपरेशन को आप पार ले लो, और इसी में वेव वेलोसिटी आपको बताना है, इसमें वेव जो जनरेट हो रही है इसकी वेव वेलोसिटी क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट आप चूज करते हैं, इस जगह पे हम क्या चूज कर लेते हैं, जैसे कि आपका एक एलिमेंट है ना, और इस एलिमेंट का जो हाफ एंगल होता है उसको आप डी थीटा ले लेते हैं, है? यहाँ पे आपने एक एलिमेंट चूज कर लिया, इसी वेव के छोटे से पोर्शन को इनलार्ज करके बना लिया, वो कर्व किसी सर्किल का पार्ट होगा तो उसके कुछ कुछ रेडियस ऑफ करेक्शन भी होगा सपोज आर, और उसका आपने एक एलिमेंट चूज कर लिया, इस तरह से यहाँ पे आपने कोई एलिमेंट चूज कर लिया है जिसके की हाफ एंगल कितना, जैसे कि आपका डी थीटा, है ना। तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन की थ्योरी की अगर हम बात करें, तो अगर ये वी से मूव कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स, सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करनी चाहिए, तो आपको पता है कि इसमें सेंट्रिपेटल फ्री बॉडी डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे टी लग जाएगा और एक यहाँ पे टी लग जाएगा, और टी का जो ये एंगल होगा, अगर ये एंगल भी डी थीटा हम ले लें, तो जब टी को रिजोल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा टी कॉस डी थीटा, और ये वाला कंपोनेंट भी आपका टी कॉस डी थीटा हो जाएगा, है ना। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, ये आपका हो जाएगा 2t sin थीटा, है ना। तो आपने को t cos d थीटा तो कैंसिल हो गया, जो 2t sin d थीटा है ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रिपेटल फोर्स। तो सिंपल सा बोलेंगे इस पूरे केस में जो 2t sin d थीटा है इट विल प्रोवाइड द सेंट्रिपेटल फोर्स, जो 2t sin d थीटा है इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, और इस सेंट्रिपेटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी dmv2r, है ना, कि 2t sin d थीटा क्या अप्लाई करेगा सेंट्रीपेटल फोर्स, और वो dmv2r। अब एक dm की वैल्यू पुट करना है, उस एलिमेंट का dm कितना होगा, तो यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यू। म्यू जो होता है वो मास पर यूनिट लेंथ लिखते हैं, है ना। आपने लैम्डा इसलिए यूज नहीं किया लीनियर मास डेंसिटी के लिए, क्योंकि लैम्डा हम यहाँ पे वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं, एक अलग से टर्म ले लेते हैं लीनियर मास डेंसिटी मास पर लेंथ के लिए। तो आप होता है डीएम की वैल्यू मैं इसलिए लिख सकता हूँ कि डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू लेंथ ऑफ द आर्क, है ना। भाई ये जो म्यू है इसको हम लेंथ ऑफ द आर्क से क्या कर देंगे, आपका मल्टीप्लाई,
इस आर्क की लेंथ से, उसका मास आ जाएगा, और आर की लेंथ रेडियस इनटू एंगल होती है, तो म्यू इनटू आपका आ गया आर टू डिग्री रेडियस इनटू एंगल, है ना। और इस डीएम की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो आपकी वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से हम लिख देंगे 2t sin d थीटा विल बी इक्वल टू द म्यू आर इनटू ट्वाइस ऑफ डी इनटू वी स्क्वायर बाय, है ना। तो अल्टीमेटली आप देखो यहाँ से टू कैंसिल हो गया, है ना, एक आपका आर भी कैंसिल हो गया यहाँ से, और साइन डी थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वेव वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी अंडर रूट ऑफ टी बाई मी, आपका वेव वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ टी बाई मी, है ना। दिस इज द वेव वेलोसिटी, जब भी इसमें वेव ट्रेवल करेगी तो उस वेव की जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी रूट टी बाई मी, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि रूट टी बाई म्यू जो होगी ये वेव की क्या हो जाएगी जैसे कि आपकी वेलोसिटी, है ना, तो ये आपका अंडर रूट टी बाई म्यू आ गया, है ना। तो ये जस्ट हम इस तरह से इसको क्या करते हैं डिफाइन, है ना। तो ये एक स्पेशल फार्मूला आ गया, कि जनरल फार्मूला तो ओमेगा बाई की होता ही है, लेकिन जब कोई स्प्रिंग है जिसमें टेंशन टी है उसका मास पर लेंथ अगर म्यू है तो उसमें जो वेव वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो उसको हम इस तरह से क्या करते हैं डिफाइन, है ना। बहुत सारे मेडिकल्स के ऊपर भी बेस्ड, ठीक है। हमने बात किसके बाद हम आ जाते हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, दैट इज द एनर्जी ट्रांसफर बाय वेव, है ना, कि कोई भी अगर वेव है तो वेव टोटल एनर्जी कितनी आपके ट्रांसफर करता है ना, कि वेव जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है उस एनर्जी ट्रांसफर की वैल्यू क्या होती है ना। तो वो थोड़ा सा एक डेरिवेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, कि भाई कोई भी अगर वेव है तो उसमें एनर्जी कितनी पजेस करता है, क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे से, वो एनर्जी होती कितनी, है ना। तो सिंपल से हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं, we discuss the energy of a traveling, we can talk about the energy of a traveling wave, अगर कोई भी traveling wave है तो traveling wave की energy कितनी है, कितने amount की energy वो क्या करता है जैसे कि आपका traveling wave क्या कर रहा है जैसे कि आपका possess, है ना, total energy इसकी होगी कितनी। तो थोड़ा ध्यान रखना इसमें कि यहाँ पे एक बड़ा conceptual point पर discuss कर रहा हूँ कि energy transfer कैसे होती है और एनर्जी होती कितनी। तो आपने क्या किया ना, किसी भी वेव का वाई वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट किया, अब बताएंगे वाई एक्स ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हैं तो किसी हम इंस्टेंट पे प्लॉट कर रहे हैं, तो अब बात है कि इस तरह से अगर बात करूं कि कोई वेव का आपने ले लिया ग्राफ, है ना, तो मैं यहाँ पे दो एलिमेंट चूज करता हूँ इक्वल वेट, एक एलिमेंट तो मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, और एक एलिमेंट मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ, हाँ, कि दो एलिमेंट आपने चूज कर लिए इक्वल विड्थ के, इस एलिमेंट की विड्थ आप ले लो डेल्टा एक्स, इस भी एलिमेंट की विड्थ हम कितने लेंगे डेल्टा एक्स, हाँ, तो ध्यान रखना कि इसमें कुछ एनर्जी होगी, तो वेव में जो एनर्जी होती है ना वो दो तरह की होती है, एक तो आपकी एनर्जी कुछ काइनेटिक होगी, है ना, ऑब्लिक पोटेंशियल एनर्जी भी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वेव भी दो तरह की एनर्जी प्रोसेस करता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या होती है आपकी पोटेंशियल। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे जो मीन पोजीशन के पास होंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, तो भाई जो भी पार्टिकल मीन पोजीशंस के पास होंगे उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, हम बोलेंगे इस एलिमेंट की जो पार्टिकल्स होंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी डीके है तो डीके मैक्सिमम है ना, और जो आपका ये जो एलिमेंट है ना इसका डीके मिनिमम हो या जीरो ही होगा, इनफैक्ट अगर सारे पार्टिकल वहां पे रेस्ट पे हैं तो ऑलमोस्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी नेगलिजिबल होगी, तो यहाँ पे मेन पोजीशन पे जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहे होंगे, और यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मिनिमम, लेकिन प्रॉब्लम है पोटेंशियल एनर्जी, अब एक चीज आती है कि पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें है उसका नेचर क्या है, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है या किस तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, रखना ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, हां भाई यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वेव पजेस
इलास्टिक पोटेंशियल है, पजेस इलास्टिक पोटेंशियल है, कि भाई वेव में जो पोटेंशियल एनर्जी की जो स्ट्रेचिंग होगी, जिस तरह से खींचेगा तो जो लेंथ में चेंज होगा वो एनर्जी को पजेस, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पजेस करता है। ध्यान रखना कि जो मेन पोजीशन पे होगा वेव जब, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि आप देखो सबसे ज्यादा लेंथ यहीं पे है, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट डीएक्स के इक्वल ही है, अगर एक्चुअल वेट तो इसकी डीएक्स है तो डीएक्स के इक्वल ही, इसमें तो स्ट्रेचिंग है नहीं, स्ट्रेचिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, तो मतलब मेन पोजिशन पे काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है ना, और जो एक्सट्रीम पोजिशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होती है काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होती है। अभी हम प्रूव भी करेंगे कि वेव के केस में किसी भी एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी, अगर ये काइनेटिक मैक्सिमम है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक अगर मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी सकते हैं आपकी मिनिमम, है ना। ये ध्यान रखना, कई बार एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट गलत आंसर कर देते हैं, एसएचएम वो सोचते हैं एसएचएम है ना, तो मेन पोजिशन में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल मिनिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजिशन में जो काइनेटिक एनर्जी जब आपकी ऑलमोस्ट मिनिमम होगी तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, ऐसा नहीं, वो तो एक सिंगल पार्टिकल क्रॉस सेक्शन है, इसमें एक सिंगल पार्टिकल थोड़ी, इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स, और इसमें जो एनर्जी है वो स्ट्रेचिंग वाली एनर्जी, तो ध्यान रखना कि मेन पोजीशन वाले जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों मैक्सिमम, और जो एक्सट्रीम पे हैं उसकी काइनेटिक भी मिनिमम होगी एज वेल एज पोटेंशियल भी क्या होगा सकते आपकी मिनिमम। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, ये चीज समझने वाली है ना, कि वेव में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर कैसे होता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में एनर्जी ट्रेवल कर रही है ना, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं बात करूँ कि भाई यहाँ पे एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होगी, इफ आई टॉक अबाउट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेसिकली आपकी किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होगी, है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वेव के केस में एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो कैसे हो रही है, अब ना उसके ट्रांसफर का मोड ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे ऐसा देखो कि किसी इंस्टेंट मैंने एक फोटो खींचा वेव का, तो वेव का फोटो आपका ऐसा आ गया है ना, और ये वेव राइटवर्ड जा रही है, तो वैसे कि किसी इंस्टेंट में ऐसा है कुछ देर बाद क्या होगा, ये वेव कुछ आगे चली जाएगी, तो कुछ देर बाद ये जो फोटोग्राफ होगा वो आपका ऐसा हो सकता है कि आफ्टर सम इंस्टेंट ये फोटोग्राफ जो होगा वो आपका ऐसा हो जाएगा, हाँ भाई अभी तो ये ऐसा है, अभी आपने फोटो खींचा, कुछ टाइम के बाद अभी वेव इस शेप में आ गई तो उसका फोटोग्राफ ऐसा हो गया, तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से इसमें एनर्जी का क्या हो रहा है, जैसे कि आपका ट्रांसमिशन हो रहा है ना, कि भाई किस तरह से एनर्जी का क्या हो रहा है, जैसे कि आपको इस केस में ट्रांसमिशन हो रहा है, ये ऐसा है ना, क्या क्या होता है कि जैसे अगर मैं कोई एलिमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ, तो मैं सपोज आपका एक एलिमेंट ये आइडेंटिफाई करता हूँ ऐसे, है ना, और एक एलिमेंट मैंने ये वाला आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ वाला, है ना, जस्ट दो एलिमेंट मैंने यहाँ पे क्या कर दिए इसमें आइडेंटिफाई कर, तो आप थोड़ा ध्यान दो क्या होता है कि भाई इस स्टैंड में ये एलिमेंट ऐसा था, अब जब ये वेव इस शेप में आ जाएगी तो यहाँ से जो इस पोजिशन में आएगा तो आपको पता है यहाँ पे तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों, जब ये इस पोजिशन में आ जाएगा तो दोनों एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, ये एनर्जी मिनिमम होगी, है ना, मतलब इस एलिमेंट ने एनर्जी लूज की है, इसकी काइनेटिक एंड पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन में क्या थी मैक्सिमम थी, ये लूज करके इस पोजीशन में आ गए तो मिनिमम हो गई, तो ये कहां चली गई एनर्जी, अगले एलिमेंट को ट्रांसफर हो, कि अगले एलिमेंट का आप ध्यान दो कि जब ये इस पोजीशन में था तो उसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों मिनिमम थी, अब ये दोनों चीजें इस पोजीशन में मैक्सिमम होगी, है ना, तो आप इसी से आप समझ जाओगे कि ये वाला एलिमेंट जो है अपनी एनर्जी लूज करता है, अगला एलिमेंट उसको गेन कर लिया, है ना, फिर ये लूज करेगा उसका अगला गेन करेगा, इसी तरह से एनर्जी का क्या होता है ट्रांसमिशन, एनर्जी का ट्रांसमिशन के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो बेसिकली आपका ये, इस तरह से जो एनर्जी होगी इस एनर्जी का क्या हो जाएगा सिंपली आपका ट्रांसफर, इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं, तो लिख लो आप इसे, हां तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हां कि किस तरह से इसमें एनर्जी क्या हो रहा है बेसिकली आपका ट्रांसमिशन हो रहा है, हां तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल इसमें पॉइंट।
हाँ कंजर्व है, कंजर्व है एनर्जी, कंजर्व है ना, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी क्या है, कंजर्व है, क्योंकि ये अगर कुछ एनर्जी लूज कर रहा है तो ये इसको गेन कर, ये जब लूज करेगा तो अगला इसको गेन कर, इसी तरह से एनर्जी क्या क्या होता है, ट्रांसफर। यहाँ पे कई बार ऐसा लगता है कि एनर्जी कंजर्व नहीं है ना, क्योंकि डी के एंड यू डी यू का सम जो है वो कॉन्स्टेंट है ना, वो दोनों मैक्सिमम है, लेकिन ये एनर्जी को ट्रांसफर हो जाएगा वो कंजर्व है, तो इस तरह से एनर्जी क्या होती है आपको ट्रांसफर, काफी कंसेप्चुअल पॉइंट है ये, सिर्फ आपके अरेस्निक हेलिडे वॉकर में दिया और किसी बुक में ये चीज कवर की है ना, क्या करते हैं इस तरह से एनर्जी का क्या हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब हम निकालते हैं फिजिकली कि एनर्जी होती कितनी, अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो वन बाय वन हम कैलकुलेट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना तो आसान है, जैसे अभी तो मैंने क्या किया, ये एक्सट्रीम्स लिए हैं, ये मेन पोजीशन और एक्सट्रीम, कहीं बीच में भी ले सकते थे ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ये कहीं बीच में प्लॉट कर सकता है ना, जब कोई भी मैक्सिमम नहीं हो है ना, तो वैसे हम प्लॉट कर लेता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर किसी वेव का अगर वाई एक्स ग्राफ है, ये अगर किसी स्टैंड में किसी वेव का अगर मैंने वाई एक्स ग्राफ बनाया, तो ये वाई एक्स ग्राफ आपका इस तरह से हो गया, तो ये जब वाई एक्स ग्राफ होगा तो अगर मैं इसका इस तरह से कोई एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लू, कि आपने यहाँ पे कोई एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, इसकी विड्थ सपोज अगर डेल्टा एक्स है, तो इस एलिमेंट की एनर्जी होगी कितनी, कितनी काइनेटिक होगी, कितनी पोटेंशियल होगी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे एकदम आसान। फिर जब आप इसके डीके निकालोगे तो डीके की वैल्यू आपकी हो जाएगी हाफ डी एम इंटू वीपी स्क्वायर, है इसके जो पार्टिकल्स होंगे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वही तो एनर्जी है इसकी, कि आपने तो फोटोग्राफ खींचा है तो इसलिए वो वेलोसिटी नजर नहीं आ रही है, अदरवाइज रिमूव कर दूंगी तो वीपी स्क्वायर, और वीपी आपने डिफाइन किया था, ये जो वीपी की वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा, है ना, कि आपने आई को डिफरेंशिएट करके वीपी निकाल लिया था लास्ट का पार्टिकल, तो यहां से इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, कि हाफ ऑफ डीएम की जगह भी पुट कर सकते हैं म्यू इनटू डेल्टा एच, म्यू इसका मास पर लेंथ है, म्यू इनटू डीएस क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, और वीपी की जगह पे आपका ये आ गया, दैट इज द ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा, है ना, तो मतलब ये आपका काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है ना, तो ये तो एकदम आसान है कि ये काइनेटिक एनर्जी होती है, मेन पोटेंशियल एनर्जी है बस, ये व्हाट पोटेंशियल एनर्जी इज पजेस, और ये पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ कहां से ले इसमें, है ना, कि भाई कौन सा एक्सटर्नल वर्क हो रहा है जो कि इसको पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स ये होता है कि एक्सटर्नल वर्क डन, वर्क डन बाई टेंशन स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, है ना, भाई टेंशन जो वर्क कर रहा है यहाँ पे इसको खींचने में, है ना, कि यहाँ पे जो टेंशन जो इसको खींचने में वर्क कर रहा होगा वही इसको एज एनर्जी प्रोवाइड, तो एक्सटर्नल वर्क डन बाई टेंशन स्टोर एज ए पोटेंशियल, है ना, तो हम समझ सकते हैं कि जो डी डब्ल्यू इस केस में होगा, है ना, डी डब्ल्यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी टी इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस हो जाएगा इसमें जितनी स्ट्रेचिंग, है ना, डेल्टा एस जो हमने लिया है वो स्ट्रेचिंग ले लिया, डेल्टा एस इज द स्ट्रेचिंग, भाई कितने अमाउंट का इसमें स्ट्रेचिंग है, है ना, कि कितने अमाउंट स्ट्रिंग की क्या हो रही है स्ट्रेचिंग, अब वो आपको निकालना पड़ेगा कि भाई कितना इसमें स्ट्रेचिंग होगा, निकालना एकदम आसान है कि आप एक एलिमेंट को जैसे लोगे, आपने ये वाला एलिमेंट लिया है, तो आप देखो कि इसकी एक्चुअल लेंथ तो डेल्टा एक्स थी, कि आपने बोला ये विड्थ आपकी डेल्टा एक्स थी, लेकिन अब इसकी लेंथ कुछ हो चुकी है सपोज आपका डेल्टा एल, है ना, और ये ऑब्वियसली चीज जो होगी ये डेल्टा वाई हो जाएगी, है ना, तो डेल्टा एल इसकी फाइनल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे जो डीएस की वैल्यू होगी जिसमें से स्ट्रेचिंग हो गई होगी वो आपकी हो जाएगी t इंटू डेल्टा एल माइनस डेल्टा, है थोड़ा डेरिवेशन है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जो भी टेंशन इसको स्ट्रेचिंग में वर्क कर रहा है वो इसमें एज एनर्जी स्टोर, और वो एनर्जी आपने इस तरह से निकाला dl माइनस dx हो गया, ds हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब dl की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ
वही जो डीएल होगा इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा, यहाँ से जो डीएल की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ डीएक्स स्क्वायर प्लस आपका डीवाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया सर, ये आपका डीएल हो गया। नॉर्मली हम अल्टीमेटली अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें कि इस एलिमेंट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है ना, भाई इस एलिमेंट में कितने अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही डीयू, तो डीयू की वैल्यू हो जाएगी डीडब्ल्यू और वो आपका आ जाएगा अल्टीमेटली टी इंटू ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने टी इंटू अंडर रूट ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर माइनस डेल्टा, ये आपका हाँ, तो ये आपकी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी इस एलिमेंट। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं है ना, तो अल्टीमेटली डी यू की जो वैल्यू होगी यहाँ पे टी तो आप ऐसे छोड़ दो, डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन इस पूरे से, तो जैसे मैं यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लूंगा यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये पावर आपकी थ्री बाई टू वन बाई टू माइनस डेल्टा क्या आपका सॉरी डेल्टा एक्स तो हम कॉमन ले चुके हैं, माइनस वन आ गया आपका है ना, डेल्टा एक्स हम क्या ले चुके हैं जी आपकी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे यूज करेंगे तो ये आपका जाएगा टी इंटू डेल्टा एक्स है ना, वन एंड माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा इंटू हाफ ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का आपका, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम निकाल सकते हैं वाई को डिफरेंशिएट करके, जो आपका वीपी जैसे आपने निकाला था टाइम करके, अगर वाई की वैल्यू आपने ये चूज की वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा है ना, तो उसको डिफरेंशिएट आप कर दो, तो जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ से आपका आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आपको आ जाएगा के और साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा, ये आपका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा है ना, मिक्स कर दूंगा थोड़ा डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है इसी से कंसेप्ट क्लियर है। क्या पढ़े t इनटू डेल्टा x इनटू हाफ ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x का क्या हो गया सच्ची आपका स्क्वायर है ना। अब इसके बाद आप ध्यान रखना कि यहां से डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो तो अल्टीमेटली du की वैल्यू आपकी है हाँ कि t इनटू हाफ आ गया, तो पहले हाफ बाहर निकाल लो वापस हाफ इनटू आपका आ गया डेल्टा x सर। हाँ हाँ बोलो बेटा सर, एक्चुअल बोलो सर, एक्चुअल लेंथ से हम क्यों देख रहे हैं स्ट्रेचिंग? बेटा एक्चुअल लेंथ वही एक्चुअल लेंथ से तो स्ट्रेचिंग हुई है ना, जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे इसमें स्ट्रेचिंग नहीं होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी है ना, उसी से तो चेंज निकालेंगे ना कि एक्चुअल लेंथ डेल्टा एक्स थी लेकिन जब स्ट्रेच हो जाएगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो लेंथ को बढ़ाने में जो टेंशन वर्क करता है वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है आपके एक्स स्क्वायर, जितना स्ट्रेचिंग होगी उसी से वर्क होगा है ना, तो वही चीज हम लेंगे यहाँ पे हाफ ऑफ आ गया और वैल्यूज आप पुट कर दो तो हाफ टी इंटू डेल्टा वाई डेल्टा एक्स की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी एक्स माइनस ओमेगा है ना इंटू एक डेल्टा एक्स, ये चीज आ गई। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि जैसे जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कुछ डिफरेंट टर्म यूज हुए हैं, म्यू ओमेगा यूज हुआ है और यहाँ पे कुछ टी और के वर्ड यूज हो गए, तो मैं थोड़ा सा दोनों में कन्वर्ट करूँगा है ना, और मैं इजिली कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो वेव वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो आपकी रूट टी बाई म्यू, तो टी की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं जैसे आपका म्यू इंटू वी स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं जैसे आपका म्यू इंटू वी स्क्वायर और वी की जगह पे भी इनफैक्ट ओमेगा बाई के यूज कर सकते हैं, तो टी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं म्यू इनटू ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, जस्ट काइनेटिक एनर्जी जैसे टर्म आने। अब इस टी की वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डीयू की वैल्यू ये आपका आ जाएगा हाफ म्यू इनटू डेल्टा एक्स इनटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो कि जब मैं इस टर्म को यहां पे पुट करूंगा तो आपको पता है के स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा इनटू कॉस स्क्वायर kx माइनस ओमेगा, तो आप देखो क्या आ गया है ना, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, k
किस एलिमेंट की, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी, वो दोनों सेम ही तो आ गए हाँ। ये अगर पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी है, दोनों टर्म सेम ही तो है। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ होती है कि वेव की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम होती है। कोई भी वेव है उसमें एनर्जी दो तरह की वो प्रोसेस करेगा, और वो दो एनर्जी हमेशा क्या होती है, बेसिकली आपकी इक्वल होती है, है ना। कि सिंपल से हम बोल सकते हैं कि इसको मैं अगर वर्ड्स में लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट आर ऑल इक्वल इक्वल एट एनी वीडियो लैग कर रही है बीच में, है ना। सर आप क्या बोल रहे हो, लैग कर रही है बीच बीच में। अच्छा मैं कर रहा हूँ जरा, साउंड भी थोड़ा सा मेरे तक कम आ रहा है आपका। आप सही है? यस सर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिमेंट आर इक्वल एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सर आपकी आवाज कट रही है अब। सर ठीक आ रही है। तो कनेक्शंस कई बार होते हैं, कई बार वो आपके एंड में भी होता है। यहाँ तो कुछ नहीं, आपको बस ये करना है कि आपने एक एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी निकाली, है ना। थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखा हुआ आसान था कि आपने सीधे ये वैल्यूज पुट कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा आपने पेन लिया, किसी बुक में मिल जाएगी आपको, है ना। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली डी मिला, और यहाँ से आपका अल्टीमेटली यही आया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, आपका सेम। एक हर एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम। इसलिए तो ऐसा हो रहा था कि इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी तो पोटेंशियल मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन में जब काइनेटिक एनर्जी मिल रहा होती तो पोटेंशियल मिल रहा होती। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एलिमेंट में क्या होता, सेम, है ना। तो अलग हो ही नहीं सकते, जितनी काइनेटिक उतनी क्या होगी पोटेंशियल, है ना। इसलिए जब मैक्सिमम होंगे तो दोनों मैक्सिमम, और जब मिनिमम होंगे तो दोनों मिनिमम। और एनर्जी कंजर्व कैसे रहेगा, कि एक एलिमेंट लूज करेगा दूसरा गेन, फिर ये लूज करेगा अगला गेन, इस तरह से एनर्जी का आगे की तरफ क्या होता है आपका ट्रांसफर, राइट। इस तरह से डीएस ऐसे आगे ना बताइए, वे पहले लाइन डीएक्स थी ओरिजिनल, अब डीएल हो गई, दोनों में डिफरेंस है तो डिस्कस भी करेंगे। जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, इसलिए आपके इंक्रीजिंग लेंथ, यहां कर सकते हैं।
जो मेजर टेस्ट आपका है ना वो 22 मई को है, वो मुझे कुछ अप्रैल का डाउट लग रहा था, 22 मई को आपका एग्जाम सर फुल सिलेबस क्या चीज हो रहा है, क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर। सिलेबस फुल जितना भी हो चुका। हाँ सिलेबस पूरा हो गया है ना, फुल 11 सिलेबस हो। ओके सर, बाकी वो नोटिफाई भी हो जाएंगे। तो मई में आपका मेस्ट है, मुझे लग रहा था अप्रैल में, पहले अप्रैल में होता था ना वही मुझे याद था, लेकिन मैंने नया शेड्यूल देखा है तो मई में आपका मेस्ट है ना। चलो ये जस्ट हमने एनर्जी की बात की है, इसके बाद आते हैं वी डिस्कस द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि आपकी किसकी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। वेव के केस में रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन किस तरह से होता है ना, जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है ये स्टडी द रिफ्लेक्शन, सबके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे एंड ट्रांसमिशन ऑफ ए वेव। ये भी जस्ट एक फॉर्मूला ही ऑफ वेव, वेव के केस में रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कैसे है ना, किस तरह से वेव रिफ्लेक्ट होगी और किस तरह से बेसिकली आपके आपके ट्रांसमिट हो। इसमें होता क्या है कि सपोज आपकी कोई स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से आपने क्या किया, एक दूसरी स्ट्रिंग अटैच की, एक लाइट स्ट्रिंग है एक हैवी स्ट्रिंग, इस तरह से है, एक लाइट स्ट्रिंग है और दूसरी स्ट्रिंग कैसी है, इसलिए आपकी हैवी है और इस लाइट स्ट्रिंग का आपको म्यू वन दिया हुआ है मास मोमेंट लेंथ और हैवी का दिया हुआ है म्यू, है ना। ऑब्वियसली बात है कि म्यू वन की वैल्यू लेस देन म्यू टू होगी है ना, क्योंकि अगर ये लाइट है तो इसका म्यू कम होगा और हैवी है उसका म्यू क्या होगा, सबसे आपको जानना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जानना है ना। अब क्या होता है कि इसी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं कि जैसे आप यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे है ना, कि आपने यहाँ पे क्या किया कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट की है ना, म्यू वन इसका है मास पर टाइम, तो ये आपको डिस्टर्बेंस किसी वी वन से आगे ट्रेवल करेगा है ना और इस जंक्शन में जाके स्ट्राइक करेगा, तो जैसे जंक्शन में स्ट्राइक करेगा इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा इसलिए आपका रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, इसी को हम रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, क्या हो जाएगा ट्रांसमिट है। तो ये तीन तरह की वेव जनरेट होगी कंटिन्यूअसली अगर हम करते रहे, तो ये आगे जाएगी वी वन से, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंस है ना, और ये जो होगी दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड। सर यू वन क्या है जो वापस आ रही है, हाँ जो वापस आ रही है, ये किसी अगर वी वन से जा रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वी वन से वापस आ रही है ना, क्योंकि सेम मीडियम में वेव की स्पीड सेम है, अगर वी वन से गई है तो वी वन से वापस आ रही है और उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी हो जाएगा, ये जो वेव है ट्रांसमिटेड है ना, तो तीन तरह की चीजें इंसिडेंस गई, इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, और जो ट्रांसमिटेड है ये किसी डिफरेंट वेलोसिटी v2 से आ गई है, कि ट्रांसमिटेड वेव की वेलोसिटी क्या होगी v2 से डिफरेंट होगी। आपको क्या पता है ना कि इन तीनों तरह की जो वेव है इसके एम्पलीट्यूड को हम लेट करते हैं, ये तीनों तरह की जो वेव है इसके एम्पलीट्यूड को हम क्या करेगा इसके आफ्टर लेट करते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं जो इंसिडेंस वेव है इसका एम्पलीट्यूड अगर आपका AI है ना, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है कि आपका AI, तो जो रिफ्लेक्टेड होगा है ना ये किसी आपका V1 से वापस जा रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड होगी इसकी एम्पलीट्यूड होगी AI और जो ट्रांसमिट हो रही है इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो ट्रांसमिटेड वेव का AT होगा, सिंपल सा इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड AI हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड का एआर हो जाएगा और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली इक्वेशन यूज करते हैं। हाँ एक चीज थोड़ा सा मैं इधर बताना भूल गया, सॉरी
ये आप अभी ड्रॉप करके पहले थोड़ा सा इसी चीज को और एलाबोरेट, है ना, जैसे अभी आपने पढ़ा कि कोई भी जब एलिमेंट होगा, है ना, नॉर्मली वो चीजें ऐसे यूज, तो आपने बोला कोई भी वेव का जब एलिमेंट है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी डीके वो आपकी हो जाएगी हाफ म्यू डेल्टा एक्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी काइनेटिक होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही तो रहता है, डिराइव करके आपने अभी प्रूफ किया है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा, तो जितनी आपकी काइनेटिक है उतनी क्या होगी पोटेंशियल होगी, तो जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी, हाँ, तो टोटल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी को लिखने के लिए डी, और डी जो होगा वो डी के प्लस डी हो जाएगा, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो तो जाऊंगे डबल ही तो हो जाएगा, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी उसमें से हाफ पड़ जाएगा, ये आपका ही आ जाएगा म्यू डेल्टा एक्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा, हाँ, ये आपकी क्या होगी आपकी इसकी आपकी टोटल एनर्जी होगी, है ना, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी है, ना, इस एलिमेंट की जो टोटल एनर्जी होगी इसकी वैल्यू क्या होगी जैसे कि आपकी है, ये तो टोटल एनर्जी होगी और ये आपने टोटल एनर्जी लिख दी, ऑब्वियस बात है कि ये एनर्जी जो है हम यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द एवरेज मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी अगर आप एलिमेंट चूज कर रहे हो तो उसकी एवरेज मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, है ना, मतलब इस डी की एवरेज वैल्यू आपको निकालनी, तो आप देखो इसमें बाकी टर्म तो कांस्टेंट हैं सारे, एवरेज मतलब कॉस स्क्वायर के तो एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा एवरेज मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए म्यू इनटू डेल्टा एक्स को तो ऐसे छोड़ दो आप, है ना, आपको कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा डी की एवरेज वैल्यू निकालनी, और किसी cos स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, जब मैं एवरेज मैकेनिकल एनर्जी लिखूंगा कि किसी भी एलिमेंट की एवरेज मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, है ना, व्हाट इज द एवरेज मैकेनिकल एनर्जी, तो ये यहाँ की इसकी हाफ है, ये आपका हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू डेल्टा, और एक बार एवरेज मैकेनिकल एनर्जी आ गया तो एवरेज पावर ट्रांसफर आ गया, वही वेव जो है वो किस रेट से एनर्जी को क्या हो रही है, एवरेज कैसे निकाला एक और बार बता दो बेटा, कॉस स्क्वायर है ना टर्म, तो कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, जैसे कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू तो जीरो होती है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, क्योंकि मैक्सिमम वन होगी मिनिमम जीरो हो जाएगी ना, तो वन प्लस जीरो बाई टू, है ना, हम सब जानते हैं कई बार हम यूज करते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है, है ना, इसकी एवरेज वैल्यू होती है हाफ, वैल्यू ऑफ द कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द हाफ, हां तो उसी से ले लिया मैंने कि उसके अंदर क्या टर्म उससे क्या बचता है, इस सब की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ, और इसके बाद हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर, एवरेज पावर ट्रांसफर कि भाई कितना ही एवरेज पावर ट्रांसफर करेगा, एवरेज पावर ट्रांसफर भी हम निकाल सकते हैं, पी एवरेज की वैल्यू जो हो जाएगी वो डी बाई डीटी हो जाएगी, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के लिए तो पावर बोलते हैं, तो यहाँ पे डीएक्स बाई डीटी वी में कन्वर्ट हो जाए, एवरेज पावर ट्रांसफर का एक्सप्रेशन आपका हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर इनटू एच, हाँ ये आपका एवरेज पावर आ गया, और एक बार जब एवरेज पावर आ गया तो हम इंटेंसिटी ऑफ ए वेव लिख सकते हैं, हां कि भाई ये सब सीक्वेंस आप ध्यान रखना है, भले ही आपको डेरिवेशन ये नहीं आता हो, यहां से आना चाहिए कि वेव की या किसी भी एलिमेंट की एवरेज पावर ही हो, एवरेज एनर्जी हो, एवरेज पावर जो ट्रांसफर करेगा इसी को डीटी से डिवाइड कर देंगे तो डीएक्स बाय डीटी मस्ट बी ट्रांसफर, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वेव के केस में इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, भाई कोई भी अगर वेव है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वी कैन टॉक अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इट,
जो वेव की इंटेंसिटी होती है आई से इसको हम शो करते हैं और ये होता है एवरेज पावर बाय एस, वेयर एस इज द एरिया, इंटेंसिटी पावर बाय एरिया ही भाई, पावर अपॉन एरिया को क्या होता है आपकी, तो अल्टीमेटली आप देखो एवरेज पावर की वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पे आ जाएगा हाफ न्यू बाय एस वी ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, और म्यू बाई एस जो होगा वो रो हो जाएगा मास पॉइंट वॉल्यूम, क्योंकि म्यू मास पॉइंट लेंथ है, लेंथ इनटू एरिया मल्टीप्लाई होंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, और मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा रो, यहाँ से इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो आपकी हो जाएगी हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, ये इसकी इंटेंसिटी होगी, हां दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, अगर कोई वेव है तो उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी सभी की, तो इस तरह से थोड़ा सा ये मैं मिस कर दूंगा, तो इसको पहले लिख लो फिर हम इसको करेंगे, अभी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये डेंसिटी वाली टर्म कैसे है? नेक्स्ट आ जाएगा ना बेटा? जो म्यू बाई एस होगा वो डेंसिटी हो जाएगी, म्यू मास पॉइंट लेंथ है और एस एरिया है ना, जैसे म्यू बाई एस जब आप लिखोगे ऐसे तो म्यू मास पॉइंट लेंथ है और लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम में तो हो जाएगा, तो मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा, इसी को हम डेंसिटी हो रो जो हो जाएगी इसकी डेंसिटी हो जाएगी। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको ये तीन फॉर्मूले बताऊंगा है ना, एलिमेंट की टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाँ कि एक एलिमेंट की एनर्जी पता है तो इंटीग्रेट करके पूरे वेव की एनर्जी निकाल सकते हैं चाहे हाफ हो चाहे फुल हो, और पावर कितना ट्रांसमिट करता है वो आपको होना चाहिए है ना, पावर में यहाँ पे म्यू आता है, इसी पावर को जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगी, इंटेंसिटी में यहाँ पे रो होगा, म्यू इज द मास पॉइंट लेंथ, रो क्या हो जाएगा मास पॉइंट वॉल्यूम, फिर मैं इस पे आता हूँ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ये आपका कैसे लेकिन, तो ये थोड़ा सा आपको पूरा प्रोसेस जानना चाहिए कैसे हमने इसको डिस्कस। इसके ऊपर हमने माइक्रोस्कोप पर देखो, मैंने जस्ट ये बोला था आपसे इस केस में
कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है ना। तो क्या होता है कि आपने क्या किया, एक ये कोई लाइट स्ट्रिंग है इसका म्यू वन है, ये कोई हैवी स्ट्रिंग है इसका म्यू टू है, और म्यू वन की वैल्यू म्यू टू से क्या हो सकती है आपकी कम। तो जैसे हम एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे डिस्टर्बेंस म्यू वन से आगे जाएगा और इस जंक्शन पे ये स्ट्राइक करेगा और इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम बी वन से। तो इसको बोलते हैं ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ, ये ट्रांसमिटेड वेव है। तो आपको ये पता है कि वी वन इसकी वेलोसिटी होगी माना सेम मीडियम में वेव की वेलोसिटी सेम है, अगर ये वी वन से आगे जा रहा है तो सेम वी वन से वापस आ गया, लेकिन जब मीडियम चेंज होगा तो ये वी टू हो जाए, क्योंकि आपको पता है अभी आपने पढ़ा था कि जैसे वी वन की वैल्यू हम ले सकते हैं एंड ऑफ टी वाई म्यू वन, अगर टी इसमें सेम है और म्यू भी सेम है तो वी वन सेम ही रहेगा म्यू, और वी टू की वैल्यू आप ले सकते हो अंडर रूट ऑफ टी वाई म्यू, तो टी तो हर जगह सेम ही रहेगा और इंटरल स्ट्रिंग है इसकी, लेकिन म्यू अगर चेंज होगा तो वेव वेलोसिटी क्या होगी डिफरेंट। तो आपको इसी टर्म को रिलेट करना ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट, इसके एम्पलीट्यूड के बीच में क्या रेंज, अगर आपको इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड पता है तो कितना एम्पलीट्यूड यहाँ पे रिफ्लेक्ट और कितना एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होगा कि आपका ट्रांसमिट। तो इसके लिए डेरिवेशन के लिए जस्ट हम सबसे पहले यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सबसे पहले हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे जैसे आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि जो इंसिडेंट पावर होगा दिस इज इक्वल टू द ट्रांसमिटेड पावर प्लस रिफ्लेक्टेड, है ना। और पावर का फॉर्मूला अभी आपने पावर स्क्वायर होता है म्यू बी ओमेगा स्क्वायर इनटू एच, जो इंसिडेंट पावर होगा उसी का कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एनर्जी पूरे प्रोसेस में क्या रहेगी कंजर्व। और दूसरा ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे स्ट्रिंग अगर कंटिन्यूअस है तो इसके एम्पलीट्यूड में भी एक रिलेशन है ना, एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे होती है, इसके एम्पलीट्यूड में भी क्या होगा सके आपका एक रिलेशन होगा, हम बोलेंगे यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड में रिलेशन है दैट इज द एआई माइनस एआर इज इक्वल टू एटी, ये सेकंड इक्वेशन है कि भाई मान लो इस पॉइंट की अगर हम बात करें एआई है उससे एआर माइनस हो गया जो रेस्ट है वो यहाँ पे जाए, तो सेकंड रिलेशन आगे एआई माइनस एआर की वैल्यू क्या होगी एटी। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करके जब दोनों को हम ड्राइव करेंगे तो यहाँ से amplitude of the reflected wave आ जाएगी, what is the amplitude of reflected? amplitude of reflected wave, तो भाई जो reflected wave है उसका amplitude क्या होगा, amplitude of the reflected wave जो होगा वो AR हो जाएगा, AR की value होती है AI into आपका हो जाएगा V2 minus V1 divided by V2 plus, तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है डेरिवेशन कैसे होता है वो उतना इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड ही ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड ए आई इंटू ट्वाइस ऑफ वी टू डिवाइड बाई वी वन प्लस। ये दो फॉर्मूले कि जैसे कोई वेव अगर इस पास आ रही है उसका एम्पलीट्यूड अगर ए आई है तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे वहां से सर जब वेलोसिटी ट्रांसफर हो रही है तो कम नहीं हो जाती वो, वेलोसिटी थोड़ी ट्रांसफर, वेलोसिटी तो सेम मीडियम में सेम ही रहेगा, जैसे लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या रहती है सेम रहती है, जब ग्लास के अंदर जाएगी तो स्पीड चेंज हो जाएगी, लाइट भी तो एक वेव ही है ना, ये भी कि कोई भी वेव है चाहे वो लाइट हो साउंड हो ये सारे वेव की वेलोसिटी मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम चेंज होगा तब चेंज हो जाएगी। मीडियम चेंज होगा तो चेंज हो जाएगी।
रिलेशन पावर से है, पावर तो सेम नहीं है ना। मैंने थोड़ी बोला कि इंसिडेंट पावर और रिफ्लेक्टेड पावर सेम है, इंसिडेंट का कुछ पार्ट ट्रांसफर हो गया कुछ पार्ट, और उसके बेसिस पे इन दोनों को सॉल्व करके आप ये रिलेशन इसको आपको इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ फील्ड। ओके, आई हैव फ्यू न्यूमेरिकल्स है ना, क्योंकि कल मेरे ख्याल से सेकंड क्लास आज मेक की है और न्यूमेरिकल्स हमने एक भी सॉल्व नहीं किया, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं होती न्यूमेरिकल्स, इसमें मेन थ्योरी इसकी टफ है। कई चीजें होती है ना जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की थ्योरी उतनी टफ नहीं होती, उसको सिंपल लॉज ही होती, इसका सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है, क्वेश्चन से एक से एक आता है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल, थ्योरी थोड़ा सा ठीक से समझना होता है, एक बार थ्योरी आ गई तो उसके न्यूमेरिकल्स उतने मुश्किल नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो ये श्योर सो स्टूडेंट्स का 1 by 1 उसके पहले प्रीवियस क्लास अपने आप आपको सारी चीजें आती है। सेकेंड पार्ट सॉल्व मत करो, तो सेकेंड पार्ट जब सॉल्व करोगे तो यूज होगा क्या कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट भी कर
एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, इससे आप थोड़ा सा देख लेना बाद में समझ। सही कर रहे हो अभी, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप मैच कर देना बाद में, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएंगे ना, वो आप बता नहीं पाओगे, है ना। देखो कुछ नहीं, इसमें पूरा डायग्राम बना हुआ है। अगर ये वाइज ग्राफ है तो किसी टी इक्वल टू जीरो पे होगा, फ्रिक्वेंसी 8 हर्ट्ज है, वेवलेंथ यही हुआ है, है ना। तो क्या क्या गिवन है आपको पता है, एम्पलीट्यूड इज 15 सेंटीमीटर, वेवलेंथ इज 40 सेंटीमीटर, है ना, और फ्रिक्वेंसी आपको जो दिया हुआ है वो 8 हर्ट्ज दिया हुआ है। ये तीन चीज आपको दी हुई है, इसके बाद फिर हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो मेन चीज है कि आपको ये निकालना है कि इसका इक्वेशन कैसा हो। हाँ भाई, जब आप लिखते हो किसी वेव का इक्वेशन तो आप इस फॉर्म में लिखते हो, y is equal to a sin kx plus minus omega t plus phi। तो इस फॉर्म में इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो आप देखो एम्पलीट्यूड तो आपको पता ही है, वो तो हम सीधे पुट कर देंगे। लैम्डा पता है तो हम k निकाल सकते हैं, अगर लैम्डा पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, की तो के 2 पाई बाय लैम्डा होता है, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई बाय 20, है ना। तो के की वैल्यू पाई बाय 20 आ गई। ओमेगा निकालने के लिए एफ यूज हो जाएगा, क्योंकि एफ की वैल्यू ओमेगा बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू जो निकालने के के क्या बोल रहा था इसमें, सर ऐसा यूनिट मीटर। हाँ नहीं नहीं, इसी टर्म्स में चेंज करो, क्योंकि जैसे k की वैल्यू अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हो ना, तो x भी सेंटीमीटर में हो, है ना। तो दोनों अगर डाटा सेम है तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत, तो k की वैल्यू पाई बाय 20 ले लिया, ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो 16 पाई हर्ट्ज। जैसे अगर एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में है तो y भी सेंटीमीटर में, वैसे अगर k सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो x सेंटीमीटर में ले, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करती है तो यहाँ पे साइन माइनस आ गया। आप इक्वेशन लिख लो कि y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 इंटू आपका आ गया साइन k की जगह पे पाई बाय 20 हर्ट्ज, पाई बाय 20 इंटू एक्स, माइनस साइन आ गया 16 पाई टी आ गया प्लस 5। अब इसका इनिशियल फेस आपको ध्यान, इनिशियल फेस इसका क्या होगा, तो इनिशियल फेस इसका पाई बाय 2, इसका जो इनिशियल फेस होगा इनिशियल फेस की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2 होगी। क्या तो ध्यान दो, इस वाई इस ग्राफ में टी तो जीरो होता ही है, जब एक्स जीरो होगा तो उस टाइम वाई की वैल्यू 15 है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एट टी जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो, जो y की वैल्यू है 15, अगर मैं यहाँ पे x और t दोनों जीरो पुट कर दूं तो यहाँ से साइन 5 बच जाएगा, 15 तो है ही, y की वैल्यू भी वहां पर 15, तो 15 कैंसिल, साइन 5 की वैल्यू 1, 1 क्या मतलब 5 की वैल्यू पाई बाय 2, मतलब इसका इनिशियल फेस पाई बाय 2 होगा, तो 5 की वैल्यू पाई बाय 2। तो कई बार ग्राफ आपको दिया होगा उससे वेव का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, कि ग्राफ आपको दिया हुआ है किसी वाइज ग्राफ, इससे आपने इस वेव पे इक्वेशन कि ये ग्राफ जिस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी इक्वेशन आप, है ना, तो जनरल इक्वेशन लिख के उसी में वैल्यू पुट कर दें, कोई बड़ी चीज ये नहीं है। तो समझो, एक तो क्वेश्चन आपके इस तरह से आएंगे, दूसरे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सही कर रहे होगे, मैं थोड़ा सा एक्चुअली टाइम सेव करने के लिए मैंने आपके आंसर को वेरीफाई नहीं किया, इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
ये कोई भी जनरल वेव है भाई, साइन या कॉस नहीं तो हार्मोनिक नहीं होगी, कोई भी एक्स टी का फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी एंड इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। ये कर सकते हो इजीली, वो सभी मैथमेटिकली एनालाइज करोगे ना, विल गेट योर आंसर। मैं बताता हूँ, ये हो सकता है ना नया टाइप का क्वेश्चन हो इसलिए आप नहीं कर पा रहे इसे। आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं इसमें है, देखो कोई भी वेव है जो एक्स के साथ जो चीज लगी होती है वो क्या होती है, पहली बात तो बीच में प्लस साइन है, पहला आ गया इसकी डायरेक्शन प्लस साइन है यहाँ पे, मतलब वेव इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्सिस, मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्स। पहला आंसर ये आपका। दूसरा देखो क्या फंक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, एक्स के साथ जो भी चीज लगा होता है वो के होता है, अल्टीमेटली आपका इससे कंपेयर करते हैं कि एक्स प्लस माइनस ओमेगा, तो एक्स के साथ जो लगा होगा वो के होगा, टी के साथ जो लगा होगा ओमेगा होगा। यहाँ पे एक्स के साथ वन लगा हुआ है
मतलब इस केस में के की वैल्यू 1 और टी के साथ ओमेगा लगा होता है, ओमेगा की वैल्यू 2 है, तो वेव वेलोसिटी आ गई, वेव वेलोसिटी ओमेगा बाय टी फुट, यहां से 2 मीटर पर सेकंड, कि वेव की वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही होगी मे बी। और तीसरी चीज है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता क्या है, एम्पलीट्यूड वाई की मैक्सिमम वैल्यू तो होती है, जो y की मैक्सिमम वैल्यू होती है वही एम्पलीट्यूड होती है, तो आप बताइए y कब मैक्सिमम होगा, जब ये टर्म जीरो हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें तो कांस्टेंट है तो चेंज नहीं सकती, तो ये टर्म जब जीरो हो जाएगा उस टाइम y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, y की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो 10/5 हो जाएगी, मींस एम्पलीट्यूड आपका 2 मीटर आ गया। सिंपली सोचना है पॉजिटिव का मतलब क्या, आप जानते हैं जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो ये वाली चीज जो होगी ये मिनिमम बने, है ना, 5 ही तो मिनिमम होगी वैल्यू, अदरवाइज 5 से कुछ भी ऐड होगा ऐसे थर्ड पे भी आते हैं, एक और क्वेश्चन मैं ऐसे ले लेता हूँ, कुछ आंसर आ भी गया था मेरे पास। ठीक है, ओके, कैन गो फॉर ओके एंड कैन गो फॉर दिस। ओह सॉरी, ये मत करो आप, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही हो भी, ये भी करेंगे बाद में। गो फॉर दिस क्वेश्चन, हाँ ये ठीक, सेम क्वेश्चन है दोनों, वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में था ये दूसरे फॉर्म में।
ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है, अदरवाइज आप सो जाएगा बाद में। हाँ रमेश सही आपका आंसर। ओहो एक्चुअली मैंने बोर्ड तो हटा दिया। हाँ यथार्थ सही आपका आंसर, रमेश आपका आंसर सही। काफी लोगों के आंसर सही है। हाँ भव्या सही है आपका आंसर, सही है पीयूष झा योर आंसर इज करेक्ट है ना। सही अब आपको आ गया ना, ये कुछ नहीं है आपको इस तरह से देखना है ना कि भाई इसको जनरलाइज कर लो y is equal to क्या हो जाएगा आपका। अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं इसको सकता हूँ y is equal to 1 plus kx माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा हाँ। जनरल एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकता हूँ kx माइनस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि इस वेव के एम्पलीट्यूड क्या होगा तो इसका एम्पलीट्यूड का मतलब y वेव इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं है ना कि भाई t is equal to 0 पे इसकी इक्वेशन ये है, t is equal to 2 सेकंड पे इक्वेशन ये है। तो पहले मैं t is equal to 0 की बात करता हूं, भाई t is equal to 0 पे जनरल इक्वेशन की अगर बात करूं ये आपको हो जाएगा y is equal to 1 by t 0 पुट कर दोगे तो 1 plus k square into x square, यहां से k की वैल्यू आ गई है ना, k की वैल्यू क्या आ जाएगी इसलिए आपकी 1 आ जाएगी। यहाँ से k की वैल्यू जब हम इससे कंपेयर करेंगे या यहीं से कंपेयर कर लो, इसका कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, भाई यहीं से अगर हम कंपेयर कर लें वो तो है कि जब t 0 पुट करेंगे तो ये वाला चीज इसमें कन्वर्ट होगी। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, माना x का कोएफिशिएंट k होता है और ये 1 जो है पूरा ओमेगा t की जगह पे आ रहा है, ओमेगा t की जगह पे भी 1 आ गया है ना। x का कोएफिशिएंट k होता है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो k 1 आ गया, ये पूरा टर्म ओमेगा टी होता है तो ओमेगा टी की जगह 1 है,
और ओमेगा टी वन कब है जब टाइम की वैल्यू कितनी है उसके लिए आपकी 2 सेकंड, टाइम की 2 सेकंड यहाँ पर कर दो तो ओमेगा की वैल्यू वहां पर आ जाएगी। और वेव वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के मीन्स हाफ मीटर पर सेकंड इज द वेव वेलोसिटी, मतलब ये वेव जनरल वेव है, कोई ये साइनोसॉइडल वेव नहीं, क्योंकि इसमें साइन या कॉस फंक्शन नहीं है ना, कि भाई जो हार्मोनिक वेव नहीं है ना, साइन या कॉस फंक्शन होता है तो वेव कैसी होती है, इसलिए आपकी हार्मोनिक होती है ना, कि आपको इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते। चलो लास्ट क्वेश्चन एक अभी आपको बोलने इजीली, अभी मेरे पास वो क्वेश्चन है नहीं, अभी है नहीं मेरे पास वो क्वेश्चन, हाँ नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्चुअली मैंने फोटो तो खींचा था लेकिन वो फोटो ट्रांसफर नहीं किया इसमें, ओके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज इतनी काफी है ना, तो आज हमने पढ़ा वेव की बेसिक्स पढ़ लिया आपने, लास्ट क्लास में वेव की बेसिक्स थी, आज अपने पावर वगैरह के बारे में क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, कल की क्लास में थोड़ा सा मैं साउंड वॉल वेव का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, क्योंकि अभी तक हमने साउंड के बारे में नहीं पढ़ा है ना, अभी तो जनरल हम बात कर रहे हैं कोई किसी भी तरीके, तो कल हम थोड़ा सा साउंड वेव का इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके बेसिस पे और क्वेश्चंस है ना, तो कल में साउंड वेव का इंट्रोडक्शन प्लस इसके क्वेश्चंस होंगे, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, रिवाइज कर लेना, थैंक यू सर, जो भी आपका लेक्चर है उसको रिवाइज करके कल आओगे तो फायदा, जो भी मैंने 2 क्लास में पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, तब कल के क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओ, रिवाइज करना। थैंक यू सर, बाय बाय।